नमस्कार, मैं हूं चंद्रमणि शुक्ला और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। आज 8 नवंबर है। वैसे तो ये तारीख कई मायनों में अहम है, लेकिन 2016 के बाद से ये तारीख राजनीतिक बहस का केंद्र बिंदु बनी हुई है, क्योंकि आज ही के दिन यानी 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी का ऐलान किया था। इसके बाद पूरे देश में 500 और 1000 के नोट बंद हो गए थे, जो कि उस समय पूरे करेंसी सर्कुलेशन का कुल 86% था। इन नोटों को बंद करने के पीछे का उद्देश्य देश में काले धन पर लगाम लगाना, जाली नोटों को खत्म करना और डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देना था। हालांकि काले धन और जाली नोटों की समस्या को लेकर विपक्ष सरकार को लगातार घेरता रहा है, साथ ही इस समस्या के जस के तस होने की भी बात करता रहा है। वहीं दूसरी तरफ नोटबंदी के बाद देश की डिजिटल इकोनॉमी में बड़ा उछाल जरूर आया है। देश में नोटबंदी करने के साथ ही नई करेंसी को लॉन्च करने का भी फैसला किया गया था। इसके साथ ही जहां 1000 रुपये के नोट पूरी तरह से चलन से बाहर कर दिए गए थे, तो 2000 और 200 के नए नोटों को बाजार में उतार दिया गया था। वहीं 500 के नोटों को बदलकर रिलॉन्च किया गया था। उस समय तमाम गहमागहमी का माहौल देखा गया था। लोगों को अपने ही पैसों के लिए लाइन में लगना पड़ा, तो कई अन्य तरह की समस्याओं का भी देश के लोगों ने सामना किया। लेकिन इन सब के साथ ही देश में डिजिटल लेन देन में भी भारी इजाफा देखा गया। वित्त वर्ष 2015-16 देश में होने वाले कुल लेन देन में डिजिटल लेन देन की हिस्सेदारी 11.26% थी, जो वित्त वर्ष 2021-22 में बढ़कर 80.40% हो गई और वित्त वर्ष 2026-27 में इसके 88% तक पहुंचने की उम्मीद की जा रही है। वैसे तो तत्कालीन RBI गवर्नर डॉक्टर रघुराम जी राजन ने 21 बैंकों के साथ मिलकर 11 अप्रैल 2016 को UPI पायलट लॉन्च किया था, जिसके बाद बैंकों ने 25 अगस्त 2016 से गूगल प्ले स्टोर पर UPI ऐप अपलोड करने शुरू कर दिए थे। लेकिन इसमें बड़ा बूस्ट नोटबंदी के बाद मिला और अब बताया जा रहा है कि इस साल अक्टूबर में UPI से होने वाला वित्तीय लेन देन रिकॉर्ड ऊंचाई 12.11 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया। नोटबंदी के बाद भले ही देश में तेजी से डिजिटल लेन देन में इजाफा हुआ है, लेकिन कैश अभी भी बाजार का किंग बना हुआ है। इसका आकलन आप इस बात से लगा सकते हैं कि नोटबंदी से पहले 4 नवंबर 2016 को देश में कुल 17.7 लाख करोड़ रुपए की मुद्रा चलन में थी, तो 21 अक्टूबर 2022 को जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक 30.88 लाख करोड़ रुपए हो गई। अब इन सब आंकड़ों से ये बात साफ तौर से कही जा सकती है कि नोटबंदी के समय कुछ लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ा, तो इसके बाद कुछ परिवर्तन भी देखे गए। सरकार जहाँ इसे उपलब्धि की तरह देखती है, तो विपक्ष समय समय पर काले धन और जाली नोटों के मुद्दे पर सरकार को घेरता रहता है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें।